Hi Queens, कैसी है मेरी Queens? आज कुछ खास है क्या? Doctor's Day, Happy Doctor's Day. जितनी भी Queens हैं हमारे ग्रुप में उन सभी को a very happy Doctor's Day. भाई डॉक्टर शिवांगी, हम तो डॉक्टर नहीं है, फिर हमें क्यों हैप्पी डॉक्टर्स डे? तुम नहीं जानती, तुम बहुत बड़ी डॉक्टर हो. परिवार की कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करती हो. डॉक्टर सिर्फ नस, नाड़ी, शरीर इन सभी के नहीं होते. डॉक्टर बनना है तो जीवन का डॉक्टर बनना है. जीवन की हर पहलू की सेहत का ध्यान रखने वाली डॉक्टर. तभी तो असली क्वीन बनते हैं, नहीं? इसलिए मैंने सोचा भाई आज थोड़ा सा ढंग से तैयार होके अपनी क्वींस के लिए डॉक्टर्स डे स्पेशल वीडियो बनाया जाए. और इस वीडियो में क्या खास बात रहेगी क्वींस? जब मैंने पिछले चंद सालों में जब से होश संभाला, होश संभाला मतलब एक औरत होने के नाते होश संभाला, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते होश संभाला, घर बार का, अपना, अपने अंदरूनी संसार का होश संभाला, तब से लेके आज तक जितनी भी क्वींस की परेशानियां मैंने सुनी, सॉल्व आउट करी, अपनी खुद की परेशानियां जब अंदर घुसकर मैंने देखी, तो जानती हो एक खास बात क्या निकली उन सभी परेशानियों की? क्वींस, हम लोग जो परेशान होते हैं, झगड़े होते हैं, परिवार टूटते हैं, हम किसी को पसंद नहीं करते, मन मुताव बनते हैं, इसके पीछे किस चीज का हाथ है, कभी सोचा है तुमने? चलो आज डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए इस बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं. डायग्नोसिस माने इसकी जड़ तक जाते हैं कि इसके अंदरूनी कारण क्या है और उसका इलाज कितना आसान है. किसी भी बड़े घर में हम सोचते हैं, हमारी यूजुअल थॉट प्रोसेस ये रहता है कि यार घरों में तो लड़ाई ना बड़ी बड़ी चीजों की वजह से होती है, मूल्यवान वस्तुओं की वजह से होती है, प्रॉपर्टी मैटर, किसको कितना क्या मिला, किसने कितने पैसे कमाए और किसके पैसे कमाए हुए पैसों का श्रेय किसी और को जा रहा है, कौन कितने मजे उठा रहा है कितना कम काम करते हुए, ये क्या है? इस तरह से पनपते हैं घरों के झगड़े, हमारी अपनी निजी जिंदगी के झगड़े. इन सबके पीछे क्वींस जब मैंने गहराई से देखा और सभी क्वींस सभी के जीवन और अपने जीवन को भी बहुत महीनता से देखा, तो पता लगा कि ये किसी मूल्यवान प्रॉपर्टी या किसी बहुत बड़ी जायदाद के पीछे नहीं होते हैं झगड़े, किसी बहुत कीमती चीजों के पीछे, ज्वेलरी वगैरह के पीछे भी नहीं होते हैं ये झगड़े. झगड़े होते हैं एक ऐसी चीज के पीछे जो बहुत सारी उपलब्ध है, अबंडेंस में है, बहुत सारी है, कभी खत्म नहीं हो सकती और फ्री में भी मिलती है. खा गए ना चक्कर? मैं भी खा गई थी एक बार, तो बहुत हैरान हुई मैं ये बात जब मुझे समझ में आई कि हाँ यार एक्चुअल में तो ये चीज इतनी सस्ती क्या, ये तो फ्री में है, मुफ्त की चीज है, इतनी सारी है, फिर क्यों हम झगड़ा करते हैं? ये तो कितना आसान है संसार को अपने काबू में करना, हर रिश्ते को अपने तरीके से जीना, हर इंसान के अंदर अपने लिए प्रेम और शांति और विश्वास कायम करना, हर रिश्ते को चुटकी बजा के सुधार देना, कितना आसान था यार, क्या कर रही थी मैं अब तक? अब सारी क्वीन सोच रही है डॉक्टर शिवांगी पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी से बताओ. ओके, तो वो चीज है क्रेडिट देना, श्रेय देना, किसी के काम को एक्नॉलेजमेंट देना. श्रेय मतलब कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है उसे उस चीज का क्रेडिट तहे दिल से, खुले दिल से, स्पष्टता के साथ, जेन्युइन शब्दों के साथ उस इंसान को उसकी बड़ाई देना, उसकी प्रेज करना, श्रेय देना. है ना कितनी अचंभे वाली चीज, कितनी सस्ती, बहुत सारी,
चाहे तो लगातार हर पल हर दिन हम दूसरों को श्रेय दे सकते हैं और सारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन भाई इसको तो हम ऐसे 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 करके रखते हैं अपने पास कि अरे श्रेय कैसे दे दूं मैं तुम्हें क्रेडिट कैसे दे दूं। जब किसी और को क्रेडिट देने की बारी आती है ना, फॉर एग्जाम्पल सास बोलती है अरे भाई मेरी वजह से इस घर में शांति है, कल अगर मैं उठ के अपने बहू को चार शब्द भी सुनाऊंगी ना घर की शांति भंग हो जाएगी। बहू वहीं पे सोचती है कि अरे मैं इतना कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं, अपने पेरेंट्स के घर से यहां पर आई, इतना कुछ मैंने किया, अगर ये सास दो मिनट के लिए चुप भी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, मैं इसके लिए कितना कुछ करती हूं, कितनी शांत रहती हूं मैं इस घर की शांति बनाने के लिए। आपस में दोनों एक दूसरे का श्रेय काट देते हैं। पति सोचता है मैंने क्या किया है, मैं तो इसके लिए पैसे कमा के लाता हूं, बाहर अपने आप को मेहनत मुशक्कत में झोंकता हूं, ये क्या घर के इतने से काम नहीं कर सकती, उल्टा मुझे पे ही बरस पड़ती है, क्या करूं इस औरत का, ये तो मुझे कभी श्रेय देती ही नहीं है, मुझे मेरा क्रेडिट देना ही भूल गई है। उधर से हम क्वींस सोच रही होती हैं कि अरे मुझे तो फॉर ग्रांटेड ले रखा है, हर घर का काम मेरे ऊपर डाल देते हैं, चाहे मैं बाहर काम करूं चाहे ना करूं, लेकिन सारे घर के काम मुझे करने हैं, मेरी को तो क्रेडिट मिलना बंद हो चुका है, किस लिए मैं काम करूं, किस लिए इतना मैं झोंकूं अपने आप को। वैसे ही हमारे वर्क प्लेसेस पे होता है, हर कोई क्रेडिट के लिए श्रेय लेने के लिए भूखा है, मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। पता है क्वींस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी मैंने कुछ पिछले दिनों में, जिसके अंदर दुनिया के मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि इंसानी फितरत इतना ज्यादा लेना जानती है, इतना ज्यादा फ्री फ्लो है हमारा लेने का मामला कि हाँ आने दो आने दो आने दो, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे ये तो तुमने कुछ खास काम नहीं किया, ये तो मेरा हक था, आने दो आने दो। इतनी ज्यादा है हमारी इंसानी फितरत लेने की कि जब हम गलती से 100 या लाख बारी में एक बार कुछ देते हैं तो हम उसी देने को गाते रहते हैं, देखो मैंने ये किया था मैंने ये किया था मैंने ये किया। है ना मजे की बात क्वींस। और जब मैंने ये स्टडी पढ़ी तो मुझे सब अपनी पुरानी लाइफ मेरे सामने ऐसे स्पष्टता से खड़ी हो गई, मैं कहा बात तो सही है, जो भी इंसान मेरे साथ कभी भी जुड़ा था यार लाइफ में, तुम्हारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम, क्या वो लोग कुछ भी नहीं करते तुम्हारे लिए, तुम भी करती हो, दोबारा से अपना वो एंटीना खड़ा मत करना। आज डॉक्टर्स डे के दिन अपनी इस भयंकर बीमारी का इलाज बता रही हूं मैं तुम्हें, उसे ध्यान से सुनो। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, जितनी भी परिस्थितियां होती हैं हमारे चारों तरफ, वो सब हमें कुछ देती हैं, क्या हम उनका आभार मानते हैं, क्या हम उन्हें श्रेय देते हैं बोलकर जताकर भावनाओं से, क्या कभी हम करते हैं, शायद नहीं, शायद नहीं, पक्की बात है नहीं क्वींस, हम नहीं करते। चाहे किसी ने सुबह उठ के तुम्हें एक कप चाय का पिलाया हो, चाहे कोई तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखता हो, चाहे कोई थक हार के वापस आकर तुम्हारे पांव दबाता हो, चाहे कोई तुम्हारे लिए अपनी जॉब आवर्स कॉम्प्रोमाइज करके घर जल्दी आके तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जाता हो, चाहे कोई तुम्हारे लिए कोई छोटा सा ही गिफ्ट लाया हो, चाहे कोई खुशी से तुम्हारा स्वागत करता हो जब तुम लेट उठ के पहुंचती हो वापस, कि आज तो यार सोती ही रह गई, लेकिन सामने से मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलता है, ये छोटी 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 चीजें इतनी सारी हैं क्वींस, अगर गुनगुनाना शुरू करें हम कि पूछो मत। कई बार मेरी क्वींस मुझे कहती है अरे डॉक्टर शिवांगी क्या हम फालतू का ही क्रेडिट देते रहे, उस चीज में या उस परिस्थिति में तो मेरा काम ज्यादा था, मेरी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, मैंने अपना ज्यादा हार्डवर्क अपना ज्यादा श्रम उस सिचुएशन के अंदर दिया, तो मैं दूसरे इंसान को पूरा क्रेडिट कैसे दे दूं, मैं नहीं दूंगी पूरा क्रेडिट, ये तो बेवकूफ बनने वाली बात हुई ना। बेवकूफ तो तुम्हें जीवन बना देगा क्वींस, लाइफ बेवकूफ बना रही है लगातार। अगर इस घमचक्कर वाली सिचुएशन से थॉट प्रोसेस से बाहर ना निकली ना तो लगातार बेवकूफी बनती चली जाओगी, अभी भी समय है संभल जाओ, लोगों को उनका क्रेडिट देना शुरू करो, चाहे तुम्हें लगता है कि
तुम्हारे बच्चे का फर्स्ट आने का श्रेय सिर्फ तुम्हारा है क्योंकि तुमने पढ़ाई कराई, लेकिन वहीं पे अपनी सास या अपने मम्मी, अगर वो मम्मी है जो तुम्हारा ध्यान रख रही है, तुम्हारी सास ध्यान रख रही है, या तुम्हारी कोई ऐसी सहेली जो तुम्हारा ध्यान रखती है, जब तुम अपने बच्चे को पढ़ा रही होती हो, वो तुम्हारा काम संभालती है पीछे से, उन्हें जाके श्रेय दो। देखो आज आपने, आपकी विशेज ने, शुभकामनाओं ने, आप जिस समय सारे घर को संभाल रही थी उस समय मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाई, इसीलिए आज ये फर्स्ट आया है। उन्हें क्रेडिट दो, श्रेय दो, वो श्रेय के हकदार हैं। कोई भी सिचुएशन होती है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुमने कोई बड़ा काम कर दिखाया और तुम एक्सपेक्ट करती हो दूसरों से कि वो तुम्हारी आके पीठ थपथपाएंगे और वो नहीं करते, तुम उदास हो जाती हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सक्सेस, सफलता अधूरी रह गई क्योंकि किसी ने आके तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाई, किसी ने तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाई जैसे तुम चाहती थी बजवाना। उदास मत हो, अपना श्रेय जो तुम एक्सपेक्ट कर रही थी वो लोगों में बांटना शुरू करो। अपने हस्बैंड को फोन करो, देखो तुम्हारे सपोर्ट से मैं ये काम कर पाई आज ऑफिस में, या तुम्हारे सपोर्ट से आज मैंने घर का ये सफाई कर दी क्योंकि तुमने मुझे वो चीजें लाके दी थी, थैंक यू सो मच। अपनी ननद को फोन करो कि यार आपने जो मुझे पिछली बार टिप बताई थी ना, वो टिप काम कर गई, सच में दीदी बहुत मजे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अपनी सहेलियों को फोन करो, अपने बच्चों को क्रेडिट दो, अरे वाह तुमने मेरी हेल्प की थी इसीलिए तो आज देखो घर कितना सुंदर लग रहा है, थैंक यू। श्रेय देना सीखो मेरी क्वींस, श्रेय, क्रेडिट। कोई इंसान चाहे तुम्हें दूर से कितना ही गलत लग रहा हो, लेकिन वो भी अपने जीवन में बहुत सारी जद्दोजहद कर रहा होता है, चाहे तुम्हें मन करे कि उसे तुम एक अच्छा सा नुस्खा सुना दो, अपने ज्ञान की एक बात बांट दो, लेकिन रुक कर पहले उसे श्रेय देना। श्रेय देने से, क्रेडिट देने से, किसी की प्रेज करने से वो इंसान खुल जाता है, वो इंसान खुल जाता है और वो सब कुछ लेना शुरू कर देता है, बहुत रिसेप्टिव बन जाता है, लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब तुम सच्चे दिल से उस इंसान को क्रेडिट देकर या उसकी प्रेज कर बाद में अपने ज्ञान का पीस उसको दोगी ना, तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएगी या समझ पाएगा, तुम्हारी बात के साथ तालमेल बिठा पाएगा। किसी को भी खोलना हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर के स्ट्रेन को हल्का करना हो, लूजन आउट करना हो, तो श्रेय दो, क्रेडिट दो, ये चीज तुम्हें हमेशा काम आएगी क्वींस। हम सभी क्रेडिट के, श्रेय के, प्रशंसा के भूखे होते हैं और जिसकी भूख तुमने मिटा दी वो इंसान हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, सच में। बेवकूफ मत बनना लाइफ के हाथों। बाकी जो भी कोई समझे, समझने दो, ठीक करेंगे ना, आज से ही प्रयोग करना और मुझे वॉइस मैसेजेस के थ्रू बताना कि किसका प्रयोग कितना सफल रहा, ठीक। फिलहाल के लिए आगरा का सेशन आ रहा है, वन डे वर्कशॉप सेशन इन आगरा 18 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू होगा, बाकी की डिटेल्स बहुत जल्दी पेज पे डालूंगी। अपना ध्यान रखना, आई लव यू ऑल, अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे, बाय।